जय हिंद नमस्कार, मैं सचिन चौधरी। आज हमें देहरादून रोड पर जहाँ पर कावड़ का शिविर लगा हुआ है और इनकी सेवा से, भोले की सेवा से कहते हैं, बहुत सुख मिलता है। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक छोटे से लेवल से स्टार्ट की थी और ये शिविर इतना बड़ा बन गया है कि ये भोले की कृपा से ही हो रहा है। इतना अच्छा ये सेवा करते हैं यहाँ पर। देखिए, आपने देखा है मसाज की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे है, मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे जो यात्री होता है कावड़ यात्री वो अपनी एकदम बिल्कुल रिफ्रेश होकर जाता है और काफ़ी सेवा भाव से यहाँ पे सेवा की जाती है। आइए जानते हैं भोलों से के और यहाँ के पदाधिकारियों से। नीतीश धीर जी, आप कहाँ से आए हैं? करनाल। करनाल से। तो कैसी है यहाँ पे व्यवस्था और सेवा? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, हर तरह की सुविधा है, मेडिकल है, फ्रूट्स है, खाने के लिए खाने का सारा बंदोबस्त है। शिविर बहुत अच्छा है, ये हर साल लगता है और हर साल हम यहीं आते हैं। छः साल से कावड़ उठा रहा हूँ मैं और दोनों शिवरात्रि पे आता हूँ मैं, तो दोनों शिवरात्रि पे यहाँ बहुत अच्छा प्रबंध होता है। मेरा पंकज शर्मा नाम है और गांधीनगर के नाल से हूँ। हम हर वर्ष यहाँ पे आते हैं और हम नहीं बल्कि हर आगे तक इनका नाम की मशहूरी है। हर बार यहाँ पे अच्छी से अच्छी व्यवस्था होती है, ईश्वर इनकी मनोकामना पूरी करे और हर बार तरक्की करते रहे। जितनी आस्था से हम यहाँ आते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आस्था से इनका ये कार्यक्रम आता है। इनके लिए इनका कोटि कोटि धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? करनाल से। यहाँ की व्यवस्था सबसे अच्छी है भैया, पूरे रोड पर हमारा करनाल तक जितने भी शिविर आते हैं सबसे व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था यहीं की है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे रुक के हमारे को, हम जितना टाइम स्पेंड यहाँ करते हैं पीछे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। हमारे को सफ़र भी बहुत अच्छा काटने को मिल जाता है यहाँ पे। सब चीज़ की फैसिलिटीज़ है, हर चीज़ की, मसाज की भी, खाने में भी, कुछ भी चाहिए हो किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नाम योगेश सर। आप कौन से बिलोंग करते? करनाल सिंह। बहुत बढ़िया है सर यहाँ पे, हर साल बल्कि हम यहीं रुक के जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम हम यहीं पे स्पेंड करके जाते हैं। कितने साल से आप कावड़ यात्रा में आ रहे हैं? 7-8 साल हो गए सर। 7-8 साल हो गए हैं। तो भोले में आपकी जो भक्ति है, पूरी श्रद्धा है, बस ऐसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राम गोपाल मित्तल जी। आप कहाँ से हैं? मोगा पंजाब से जी। व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। देखिए, जो कावड़िया कावड़ उठा कर लाते हैं, जो थकावट हो जाती है उनको यहाँ आराम के लिए बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने। मेडिकल भी है इनके पास, जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, व्रत का सामान जो बोले व्रत रख कर आते हैं वहाँ से, जहाँ व्रत का भी सब पूरा व्यवस्था बढ़िया से हो रही है यहाँ पे। हाँ जानी, मसाज का भी इंतजाम है इनके पास और पूरे खाने पीने का व्यवस्था है, रहने का और बढ़िया व्यवस्था इनकी, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं जी, बोले की कृपा जी। वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, आप कहाँ से आए हैं? करनाल हरियाणा से। अबाउट 23 इयर्स यहाँ पे हम तब से रुक रहे हैं जब ये शिविर सेलर में लगता था। आगे एक सेलर होता था, उसमें लगता था, तब तो कुछ भी नहीं होता था, अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ही मिलती है, जब भी आते हैं हर साल नया कुछ होता है यहाँ पे। जो मेडिकल सेवा मिल रही है आपको, इससे आपकी थकान दूर हो जाती है? फिजिकल और मेडिकल बहुत बढ़िया। ये जो मसाज की है, ये बहुत बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। और कहीं भी किसी शिविर में मिली है? नो, हर चीज़ में फैसिलिटी यहाँ पे वेलन बढ़िया, बहुत अच्छे। यहाँ की व्यवस्था से बहुत बहुत अच्छे। हाँ जी, यहाँ जितनी सुविधा कहीं भी नहीं है और यहाँ पर जितना मज़ा आता है कहीं भी नहीं आता। यहाँ पर डीजे लगे हुए हैं, हर चीज़ है, ऐसी चीज़ आपको ब्याह शादी पर भी नहीं मिलेगी जो आपको यहाँ पर मिलेगी। कावड़िए भी हैरान हो जाते हैं, भाई ये भोलेनाथ का कैसा चमत्कार है, हर चीज़ मिलती है, बिन मौसम का फ्रूट भी मिलता है। जी दीपक जी, कितने सालों से आप यहाँ पे? 28 साल से जी। 28 साल से। तो पहले उन्होंने बताया था कि बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट। पहले एक दिन हम 12-13 भोलों का प्रोग्राम करा था, फिर भोले कृपा होते रहे, एक एक दिन थे, 2 दिन, फिर 10 दिन, बोले कृपा जी भंडारा चल रहा है। अच्छा, जो ये आपने मसाज फैसिलिटी यहाँ पे कर रखी है, मैंने ये कहीं नहीं देखी, और जो बोले हैं वो भी ये बता रहे हैं कि हमने ये कहीं नहीं देखी है, तो ये आप किस, कहाँ से आपको विचार आया? ये तो घर पड़ी थी, पापा की लाए थे, तो मुझे नजर आई तो मैं उठा के गया। अच्छा, तो डॉक्टर को मेडिकल मेडिसिन है, हर चीज की सुविधा, यहाँ सोने की, खाने की, पीने की, दूध की, रात को बोलो को दूध वगैरह हर चीज़ सुलते हैं। ये 24 घंटे जी, किसी समय भी 24 घंटे, हर तरह की बोले की सुविधा, बोले की कृपा जी, जब तक बोला हिम्मत देगा हम सब साथी मिलकर इस कार्य को करते रहेंगे जी। वैसे तो मेन तो 13 से शुरू हुआ था, लेकिन बोले 11 से 10 11 से आगे तब से हम सेवा करते आ रहे हैं। अच्छा, कब तक चलेगा ये? 21 तक।